हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमन टेक। तो गाइस, आज के ये वीडियो में हम देखने वाले टॉप 10 ट्रेंडिंग फोन जुलाई के महीने में। जैसे कि आपको पता होगा, हर एक मंथ मैं एक वीडियो बनाता हूँ जिसमें मैं बताता हूँ कि टॉप 10 कौन सा फ़ोन ये महीना के लिए रहा। तो ये जो लिस्ट जारी किया जाता है, कंप्लीट यूज़र एक्सपीरियंस, यूज़र के रिव्यू का बेसिस में बनाया जाता है। जितना लोग इसको खरीद रहे हैं, उसका जो रिव्यू दिया जा रहा है, अच्छा ख़राब, उसको पूरा दिमाग में रखते हुए जो लिस्ट बनाया जाता है। तो आज हम लोग देख लेंगे जुलाई मंथ का सबसे बेस्ट टॉप 10 ट्रेंडिंग फोन्स। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे 10 से और ख़त्म करेंगे वन में। सो गाइस, मैं फोन के साथ साथ इसका कंप्लीट हाइलाइटेड जो फीचर होता जाता है, लोग जो देखते हैं उसको मैं बताने वाला हूँ। अगर आपको डिटेल देखना है तो आप जाके गूगल कर सकते हो, वो फोन के बारे में कंप्लीट डिटेल पता चल जाएगा। तो सबसे पहला जो फोन है नंबर 10 पे, वो है Xiaomi Mi 90। सो इसका डिस्प्ले साइज है 6.39 इंचेस का इसका डिस्प्ले है। इसका जो कैमरा है 48 मेगापिक्सल का कैमरा है। इसका रैम 6 GB रैम है और इसका बैटरी 4000 mAh का बैटरी है। तो हम लोग 4 की पॉइंट केवल देखने वाले हैं, डिटेल जाके जानना है तो आप जाके चेक कर सकते हैं। 9th नंबर में जो फोन आ रहा है वो है सैमसंग गैलेक्सी A20। तो इसका जो डिस्प्ले इंचेस है 6.4 इंचेस का इसका डिस्प्ले है। 13 मेगापिक्सल का इसका कैमरा है। 3 GB रैम है। 4000 mAh का इसका बैटरी है। ये आता है 9 नंबर में, ये जुलाई का महीना में। अब हम लोग देख लेते हैं 8 नंबर फोन, जो कि और एक बार है सैमसंग गैलेक्सी S10 प्लस। तो ये फोन में आपको डिस्प्ले मिल जाता है, 6.4 इंचेस का डिस्प्ले है, 16 मेगापिक्सल का कैमरा है, 12 GB रैम है इसमें, और इसके साथ साथ आपको 4100 mAh का बैटरी मिल जाएगा। 12 GB रैम काफ़ी ज़्यादा है, मुझे नहीं लगता इतना ज़्यादा रैम देखे कुछ फ़ायदा होता अभी का टाइम में। मे बी फ्यूचर में फ़ायदा होगा, क्योंकि फिलहाल 12 GB रैम बहुत ही ज़्यादा है। नेक्स्ट जो फ़ोन है वो भी सैमसंग कंपनी का है, सैमसंग गैलेक्सी A80। इसका जो डिस्प्ले साइज़ है 6.7 इंचेस का इसका डिस्प्ले साइज है। इसका कैमरा है, 48 मेगापिक्सल का रैम है, 8 GB रैम, और इसका जो बैटरी है 3700 mAh का बैटरी है। तो गाइस, ये आता है नंबर 7 में। अब हम लोग देख लेते हैं नंबर 6। नंबर 6 में आता है फिर से सैमसंग गैलेक्सी A30। इसका डिस्प्ले इंच है 6.4 इंचेस का इसका डिस्प्ले है, 16 मेगापिक्सल कैमरा है, 4 GB रैम है, 4000 mAh का बैटरी है। 5th नंबर में आता है Xiaomi Redmi K20 Pro, जिसके बारे में बहुत सारा वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। सो गाइस, इसका डिस्प्ले है 6.39 इंचेस का इसका डिस्प्ले है, 48 मेगापिक्सल कैमरा है, इसका रैम 8 GB रैम है, और 4000 mAh का बैटरी आपको देखने को मिलेगा, और इसका जो प्रोसेसर स्नैपड्रैगन का 855। तो ये आता है नंबर 5 में। अब हम लोग देख लेते हैं नंबर 4 में कौन सा फ़ोन आता है। नंबर 4 में आपको देखने को मिलेगा Xiaomi Redmi Note 7। इसके बारे में कौन नहीं जानता, तो ये फ़ोन अभी भी ट्रेंडिंग में चल रहा है, बहुत पहले निकल चुका है। सो गाइस, Xiaomi Redmi Note 7 का जो डिस्प्ले साइज है 6.3 इंचेस का है, कैमरा है, 48 मेगापिक्सल का रैम है, 6 GB स्नैपड्रैगन का 660 प्रोसेसर मिल जाता है, और 4000 mAh का इसका बैटरी मिल जाता है। ये आता है आपका 4th नंबर में। अब हम लोग देख लेते हैं 3rd नंबर में कौन सा फ़ोन आता है। 3rd नंबर फिर से आता है सैमसंग गैलेक्सी A70। सैमसंग गैलेक्सी A70 का जो डिस्प्ले है 6.7 इंचेस का है, जो कैमरा है 32 मेगापिक्सल का है, जो रैम है 8 GB रैम है, स्नैपड्रैगन का 675 प्रोसेसर आपको देखने को मिलेगा। इवन इसका बैटरी काफ़ी बड़ा है, 4500 mAh का इसका बैटरी आपको देखने को मिलेगा। ये है 3rd नंबर फोन। अभी हम लोग देखते हैं 2nd नंबर फोन। 2nd नंबर फोन में आता है सैमसंग गैलेक्सी A50। तो A50 में आपको बहुत अच्छा खासा स्पेसिफिकेशन देखने को मिलेगा। इसका डिस्प्ले है 6.4 इंचेस का डिस्प्ले है, इसका कैमरा है 25 मेगापिक्सल, इसका रैम है 6 GB, और इसका जो प्रोसेसर है इग्नू का 9610, और 4000 mAh का बैटरी है। तो गाइस, ये वीडियो को अभी पॉज करके आप गेस कीजिए कौन सा फ़ोन नंबर 1 में आ सकता है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो गाइस, नंबर 1 जो फ़ोन है वो है Xiaomi Mi A3। तो इसके बारे में कंप्लीट डिटेल में बताया था कि ये फ़ोन बहुत ही ट्रेंडिंग जाने वाला है। तो जैसे ये जुलाई महीने का सबसे ऊपर में ये फ़ोन देखने को मिल रहा है। इसका जो डिस्प्ले है 6.01 इंचेस का, 48 मेगापिक्सल आपको कैमरा देखने को मिलेगा, 4 GB रैम है, स्नैपड्रैगन का 665 इसका प्रोसेसर आपको देखने को मिलेगा, और इसका बैटरी है 4030 mAh का। तो ये जो कंप्लीट स्पेसिफिकेशन देख रहे हैं और कंप्लीट जो रैंकिंग देख रही है, कंप्लीटली डिपेंड करता है यूज़र जैसे इसको खरीदता है, यूज़र को पसंद आता है, रिव्यू देता है, तो उसी का बस में रैंकिंग होता है। तो ये बात सोचिए कि ये सैमसंग का जो फ़ोन है इतना सारा क्यों आ गया। यूज़र इसको यूज़ करता है, अच्छा लगता है, उसका फीडबैक देता है, उसी के बेस में ये सैमसंग का फ़ोन इतना सारा आ चुका है। और Xiaomi का जो Mi A3 है, जो कि स्पेन में लॉन्च हुआ, तो ये सबसे ऊपर है। तो Xiaomi का जो Mi A3 है, इसमें आपको स्टॉक एंड्रॉयड देखने को मिलेगा, एंड्रॉयड 1, तो जिसमें आपको मल्टीपल अपडेट्स मिल जाएगा। तो इसी चलते इसका जो रैंकिंग है सबसे ऊपर है फिलहाल ये मंथ के लिए। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी अच्छा लगा तो डेफिनेटली लाइक कर सकते, चैनल पर नया आगे तो सब्सक्राइब कर दिया, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बगल में बेल का आइकन हो तो उसको भी प्रेस कर दिए, उससे होगा मैं जब वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, और आप मेरा कोई वीडियो मिस नहीं करेंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड, एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।